हे hey दोस्तों वेलकम बैक तो एप्लीकेशन पोर्टल तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर मैंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रही है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ताकि मुझे बार बार जो है वो गूगल ट्रांसलेट से नहीं करना पड़े इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट साइन इन तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करिए ओके ओवर देयर यू नीड टू एड योर योर डिटेल्स विच इज़ योर नेम लास्ट नेम यू नीड टू सेलेक्ट योर जेंडर आपको अपनी इसमें डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है फॉर योर कंट्री डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसपैलिटी प्लीस कोडी चिप फिस्कल हो गया और ई और कन्फर्म ई और फिर इसके बाद पासवर्ड अपना ऐड करना बेहतर होगा कि आप इसके अंदर अपर केस लोअर केस और जो भी है आपको अच्छा लगता है ईजीली जो आप याद रख सकें आप उसमें कीजिए और फिर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को उस पर क्लिक कर दीजिए और साइन इन पर क्लिक कर दें वन बाई वन आई एम गोइंग टू एड माई डिटेल्स इन इट दोस्तों तो मैंने सारी चीज़ें फिल कर ली है हैं कोडीज़ फिजिकली भी ऐड कर दिया है कैसे बनाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं और मैं सिंपल सी बात है साइन इन पर क्लिक करूँगा कोई मसला है तो फिर वो फ़ौरन हमें बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि आपका पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहा चलें फिर मैं इसके बाद फिर से रीट्राई करता हूँ तो लेट्स सी ये मेरा बन चुका है मैंने यहाँ पर सिंपल सेव पर क्लिक कर दिया अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ देखें मैं जिस तरीके ठीक है अब ये है कि वो लॉगिन क्यों नहीं कर रहा एक स्टेप जो है वो मैं भूल गया हूँ वो ये है कि मुझे ई मेल अपने वेरीफाई करनी है वहाँ से अब यहाँ से जाकर क्या करना है मुझे इस पर क्लिक करना है और मेरी ई मेल जो होगी वो वेरीफ़ाई हो जाएगी ठीक है क्वालिफाइड अब मैं लॉग इन पर क्लिक कर रहा हूँ भाइयों मैं अपना जैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं वैसे कर रहा हूँ ठीक है अच्छा ये अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है भाइयों तो आप लोग नाराज मत होइएगा जो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ मैं मास्टर्स का ज़रूर बताता हूँ लेकिन चले आज खास तौर पर आप अंडर ग्रेजुएट की नहीं मैं बता रहा हूँ हो गया ये सारी चीज़ें कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें यहाँ पर प्रोवेंस के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा सिटी ऑफ रेजिडेंस आप कराची लिखें सिंपल सी बात है या फिर अपना जो भी है और मैंने यहाँ पर सिंपल सी बात है क्या किया अपनी चीज़ें ऐड कर दी और यहाँ पर क्या है अपना कंट्री कोड ऐड करना है और फिर आगे जो है जो जो भी है एक्स वाई जेड ये मैंने ऐड कर दिया अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि अपना ई मेल ऐड करना है अपना सेकेंडरी स्कूल लिखना है और सेकेंडरी कंट्री लिखनी है फिर स्कूल की वेबसाइट लिखना है ये थोड़ा सा लंबा मांग रहे हैं लंबा कर रहे हैं लेकिन चलें कोई बात नहीं आसान तरीके का रहे है आपने कब सेकेंडरी स्कूल कम्पलीट किया था आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है आपको किस तरीके का डिप्लोमा मिला था ठीक है ये आपके पास अदर क्वालिफिकेशन में आएगा ओके और सेकेंडरी ये फर्दर लिखे हुए हैं किट शुड बी बॉर्न इन माइंड दैट परसवेंट ऑफ़ द मेज एजुकेशन वगैरह ये पढ़ लीजिएगा जो जो है अपॉन ग्रेजुएट आई विल बी क्वालिफाइड ऑफ टे एटलीस्ट ट्वेल्व ईयर ऑफ एजुकेशन तो आप येस और नो पर क्लिक कर दीजिए आगे फर्दर कह रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ स्पॉसर्ड डिटेल ऑफ स्पॉन्सर्स मीन्स ये होता है कि आपको याद होगा कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी कि एक आपके एम्प्लॉयर या फिर आपके प्रोफेसर उनका आप इसमें ऐड करते थे लेकिन लेटर ऑफ ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ स्पॉन्सर्ड इट मीनस कि किसने आपको रेफ़र किया है आप इसके अंदर अपने कोई अच्छे प्रोफेसर जिनसे आपकी सबसे अच्छी बनी हुई है आप वो भी ऐड कर सकते हो या फिर आपके एम्प्लॉयर का ऐड कर सकते हो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा ओके और उसके अंदर नेम उनका ऐड कर दूंगा जो भी है उनका सर नेम ऐड कर दूंगा जो कि आखिर में आता है ख़ान जो भी है जेड जो भी जहाँ से मैंने पढ़ाई की उसके अंदर उसमें ऐड करना है ठीक है उनका ईमेल एड्रेस ऐड करना है और ये लिखे हुए कि कैंडिडेट का जो कैंडिडेट इंग्लिश लेवल अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप इसके हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके साथ साथ जो है वो सर्टिफिकेट ऐड अटैच कर दीजिए इसके साथ साथ से सेकेंडरी स्कूल ट्रांसक्रिप्ट विच मीनस कि आपको उसकी मार्कशीट लगानी है आपको पासपोर्ट इसमें लगाना है और इसमें खुद लिखे हुए हैं कि चूज़ योर एडमिशन प्रोसीजर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सैड स्कोर वगैरह मांगेगा अगर आपके पास सैड स्कोर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए आगे लिखे हुए कि डिग्री प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कीजिए यानी कि बैचलर्स प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आप चाहते हैं तो सिंपल ये इटालियन के अंदर आ रहे हैं मेरे सामने बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर माइट भी नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन जो ई एन जी लिखा हुआ था इंग्लिश का यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस वन जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो उनकी प्राइवेसी एग्रीमेंट है उन सबको मैं यस 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 कर करके मैंने ये सेलेक्ट करके आगे मैं भेज दूंगा फॉर्म को फिल कर के भेज दूंगा आगे तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ये बताइए कि मैं फ़र्दर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं मज़ीद कवर करूँ मेरा एम ये है कि मैं मई से पहले हंड्रेड से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ तो अभी फेबररी स्टार्ट हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी मैं एटी वी, टू टोटल वीडियोज़ बना चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हंड्रेड हो पूरी सेंचुरी में मारूँ तो आप मुझे बताइए कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मुझे कवर करनी चाहिए आई नो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि जिनोवा बरगामो हो गया काटानिया पलरमो हो गया ये करना चाहिए लेकिन ये है कि आप मुझे फ़र्दर बताइए कि मैं मजीद क्या क्या करूँ तो दोस्तों चले फिर मिलते हैं इन शाह बहुत ही जल्द अल्लाह हाफिज ख्याल रखिएगा सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स